वेलकम क्लास अगेन वी आर डीलिंग विद द फोर्थ लेक्चर ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ एंड वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ इट स्टेट्स दैट इट इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल द मटीरियल्स ओके स्पेशली फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स What are non-ohmic conductors? Some materials which do not obey Ohm's law are known as non-ohmic conductor. Because for ohmic conductor, the graph is simply a straight line between V and I. And whenever we get a curve which is not following this ohmic conductor curve, like this. So this deviation, this is for non-ohmic conductor and this is for ohmic conductor. जो conductors Ohm's law को obey नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं Non-ohmic conductor कहते हैं और जो Ohm's law को obey करते हैं उन्हें कहते हैं ohmic conductor. ठीक है variation तीन तरह से हो सकता है जो NCERT में लिखा हुआ है तीन तरह के variations तीन graph दिए हुए हैं कुछ variations ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ certain value के बाद करंट इंक्रीज़ करना शुरू होगी स्पेशली ऐसा सेमीकंडक्टर्स में होता है जब एनर्जी मिलती है उन्हें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं जो फ्री हैं तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू होती है लेकिन कुछ समय तक करंट होती ही नहीं या करंट काफ़ी कम होती है कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जहाँ सेम वोल्टेज पे करंट की वैल्यू रिपीट हो रही होती है जैसे गैलियम आर्सेनाइड जब इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर दें तो ये सभी कंडक्टर्स ऐसे हैं या मटेरियल्स ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते स्पेशली सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा होता है तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में हमें स्टडी करना है फिलहाल अभी यहाँ पे हमें ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लेना है लिमिटेशंस क्या हैं तो ये सभी कंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं है ये सभी मटेरियल्स के लिए वैलिड नहीं है ठीक है जब वैलिड होगा तो वी और आई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे और जब ये इनवैलिड होगा तब एक कर्व ड्रॉ करेंगे जो डेविएशन शो कर रहा होगा ओम्स लॉ के लाइन से या प्लॉट से तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का भी हो सकता है जो आपको सेमीकंडक्टर्स के लिए देखा जाएगा इस तरीके से ठीक है ये वी और आई का ग्राफ है इसमें कुछ वोल्टेज के बाद करंट बढ़ना शुरू होगा ठीक है जिसे हम नी वोल्टेज भी कहते हैं वी विल स्टडी इन डिटेल डोंट वरी अबाउट दैट गैलियम आर्सेनाइड के केस में कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा ठीक है लीनियर रीजन आएगा नॉन लीनियर रीजन आएगा तो ये सभी लिमिटेशंस हैं तीन पॉइंट्स में दिए हुए लिमिटेशंस व्हेन वी सीजेस टू आई मींस दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ सेकंड केस व्हेन वी विल हैव सम पर्टिकुलर वैल्यू टू स्टार्ट द करंट इन द सर्किट और इन द मटेरियल एंड थर्ड केस इज देयर व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज रिपीटेड फॉर द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी ओके दिस इज ऑल अबाउट Ohm's law. Now we are going to start the temperature dependence. Okay. Previously we have studied one formula that J is equal to Ne square tau by M into E. Means sigma is equal to Ne square tau by M by comparing it with J is equal to sigma E. तो यहाँ पे sigma है conductivity और resistivity की बात करें तो M upon Ne square tau. Conductor में number of electrons जो free हैं वो fix हैं चेंज नहीं कर सकते हम तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं हम तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिलैक्सेशन टाइम कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी और कोलिजन फ्रीक्वेंट होना शुरू होंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होना शुरू करेगी डिक्रीज़ करना शुरू करेगी कंडक्टर्स के लिए क्योंकि टाओ और रो में इन्वर्स रिलेशन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई भी चेंज होने वाला नहीं लेकिन अगर सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की बात करें तो अगर हम एनर्जी देते हैं सिस्टम को तो वहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट इंक्रीज़ करना शुरू होगा क्योंकि वो बाउंड स्टेट में थे उन्हें कुछ एनर्जी चाहिए थी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जैसे ही हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर मीन्स हीट के फॉर्म में तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इसलिए रेजिस्टिविटी क्या होनी शुरू करेगी डिक्रीज़ करना शुरू करेगी कुछ स्पेशल रेजिस्टेंसेज हमें पढ़ने हैं जैसे कि नाइक्रोम है कॉन्स्टेंटिन है जिनकी रेजिस्टेंसेज टेम्परेचर बढ़ाने से लीनियरली वेरी करती हैं और वेरिएशन बहुत ही कम होता है इसलिए हम उसको लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वायर्स एंड ऑल ठीक है तो तीन तरह के ग्राफ पढ़ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ हमारे लिए एग्ज़ाम में कलर कोडिंग सीबीएसई ने निकाल दिया है सिलेबस से नया अपडेटेड सिलेबस में आप देखेंगे तो कलर कोडिंग हमें नहीं पढ़ना है इन्फॉर्मेशन के लिए हम कोई लेक्चर ले लेंगे कलर कोडिंग का
ठीक है, आप एनसीईआरटी में एक बार रेफ़र करेंगे कलर कोडिंग को। अभी हम तीनों ग्राफ पढ़ लेते हैं और एक रिलेशन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले उस रिलेशन को डील कर लेते हैं, जो रिलेशन ये डायरेक्ट वेरिएशन दिखाएगा टेम्परेचर का कंडक्टर्स के लिए। रो टी इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर टी टू माइनस टेम्परेचर टी वन। रो टी इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी एंड रो नॉट इज रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर। एल्फा इज व्हाट? एल्फा इज नोन एज द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में। और रिलेशन हम रेजिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये दो रिलेशंस हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स कभी कभी बनाने को मिलते हैं आपको एग्जाम में। अभी अब देखते हैं ग्राफ, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा ग्राफ का। ठीक है, देखते हैं ग्राफ क्या क्या है। तीन ग्राफ पढ़ने में सिर्फ, और तीनों ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं कॉपर के लिए। ठीक है, जहाँ पे वेरिएशन एक कर्व की तरह दिखेगा, दिस इज़ टेम्परेचर, दिस इज़ रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ज़्यादा टेम्परेचर होने पे अचानक रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ कर जा रही है। ठीक है, ऐसा होगा जो आपके मेटल्स हैं स्पेशली लाइक कॉपर। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर देते ही रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होना शुरू करेगा और कोलिजन्स बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड में जाने में काफ़ी ज़्यादा कोलिजन्स का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे। इसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद है नाइक्रोम वायर के लिए, देख लें हम। नाइक्रोम वायर के लिए रिलेशन कुछ इस तरीके से है, शुरू में कुछ रेजिस्टिविटी होगी, स्टार्टिंग में ज़ीरो रेजिस्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे ज़ीरो दिखाया गया है ऐसा, लेकिन होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन ग्राफ में हमें यहीं से शुरू करना है। दूसरा ये ग्राफ है, हम लिख देते हैं दिस इज़ फॉर कॉपर, दिस इज़ फॉर नाइक्रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और रिवाइज करेंगे। थर्ड ग्राफ हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स के लिए। यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है। इस ग्राफ में क्या है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ कर रही है। क्यों डिक्रीज़ कर रही है? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी फिक्स है, रिलैक्सेशन टाइम पे फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से जो हमने रिलेशन अभी देखा हुआ है एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ में, एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रो के। तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ये तीन ग्राफ्स हैं, जो पार्ट ए है करंट इलेक्ट्रिसिटी का उसको हमने फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल और बाकी चीज़ें डील करेंगे, पावर, एनर्जी, सेल, किरचॉफ्स लॉ, इन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। ओके क्लास, सो वी विल डू द नोट्स ऑफ पार्ट ए ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन वी विल मूव फर्दर एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस पार्ट ए। ओके, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन पुट द कमेंट और आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके क्लास, थैंक यू।